और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर बीजेपी के एक पार्षद की गुंडागर्दी के चलते एक मुस्लिम परिवार घर से बेघर हो गया है। पार्षद अपने इलाके में किसी भी मुस्लिम परिवार के रहने के खिलाफ हैं। वो सिर्फ धमकाने तक ही नहीं रुके, मुस्लिम परिवार की तरफ से खरीदे गए घर पर भी उन्होंने ताला जड़ दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी लचर रवैया अपनाया हुआ है। ये हैं मुरादाबाद नगर निगम के पार्षद विद्या शरण शर्मा और इनके साथ खड़े हैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार। बीजेपी के इस पार्षद की दलील है कि इस इलाके में चारों ओर ब्राह्मणों के घर हैं और यहाँ इस मुस्लिम परिवार को कैसे रहने दें। पुलिस इस पार्षद को समझाती रही कि मुस्लिम परिवार ने घर खरीदा है और उन्हें यहाँ रहने दें, लेकिन पार्षद नहीं माने। इसके बाद पुलिस भी पार्षद के दबाव में आ गई और मुस्लिम परिवार द्वारा खरीदे गए घर में अपना ही ताला डालकर चली गई। इस मकान को खरीदने वाला मुस्लिम परिवार अब बेहद परेशान है। बीजेपी पार्षद विद्या शरण शर्मा उन्हें मकान में नहीं जाने दे रहे और पार्षद ने अपने ताले भी इस मकान में लगा दिए हैं। हमने ताला डाला उसके अंदर और ताला डालने के बाद में उन्होंने ऊपर गया, उन्होंने जाल तोड़ा, जाल तोड़ने के बाद में नीचे उन्होंने ताले डाले। जंजीर में तीन ताले पड़े हुए हैं, सड़क में ताला पड़ा हुआ है। तो वो जो सभा साथ हैं वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो ये कह रहे हैं मुसलमान नहीं आएगा यहाँ पर। वहीं इस मकान को बेचने वाली महिला का कहना है कि बीजेपी पार्षद ने उन्हें धमकी दी है कि अगर इस मकान में कोई मुस्लिम रहने आया तो पूरे मोहल्ले में हथियार बांटे जाएंगे और उन पर फायरिंग की जाएगी। परसों की यह वारदात है, कल फिर आए, फिर वो खड़े रहे सब लोग, क्या कहते हैं सब मोहल्ले वालों को एक एक मतलब दिया जाएगा, पिस्तौल दी जाएगी, जब भी कभी ये मुसलमान आएंगे ताला तोड़ने हम उनको फायरिंग कर देंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की नाकामी साफ दिख रही है। हालांकि पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, फिर भी इस मुस्लिम परिवार को मकान पर कब्जा दिलाने में फिलहाल पुलिस को सफलता नहीं मिल रही। मुरादाबाद से अनवर कमाल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।